लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मकसद यही है कि कल समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट व एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी ने अपना मौकफ जाहिर किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में और खुसूसन नांदेड़ शहर में इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इंशाअल्लाह ताला इसके नतायज भी अच्छे आएंगे और समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, यूनिट मजबूत है, जहां हमारा मौकफ मजबूत है, वहां से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नांदेड़ के उम्मीदवार को इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हम आप लोगों के सामने प्रेस के जरिए से ही उसका ऐलान करें। उतना स्ट्रांग हमारे पास उम्मीदवार मौजूद है और एक नहीं बल्कि चार चार पांच पांच उम्मीदवार हैं और और उसके बाद ही इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़रूर लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। अगर आसिम भाई बोले लड़ना है मोइन साहब आपको, तो ज़रूर लड़ूंगा। घोषणा कर दी थी लोकसभा लड़ने वाले, अगर कल को समझिए महाराष्ट्र में आपकी कांग्रेस के साथ अगर से आगाड़ी होती है तो नहीं, तो बात का बात देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल का मौकफ हमारा यहाँ पर तमाम चीज़ें तय करने के बाद ही तय किया गया है। सर, जैसा बसपा का संगठन है, जैसा आपका भी यहाँ पे संगठन अच्छा है, यकीनन हमारा संगठन मजबूत है और इसीलिए तो हम यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? नांदेड़ से लड़ेंगे? नहीं, लोकसभा में। लोकसभा में सर ये वंचित बहुजन वंचित अगाड़ी भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पे उतरी है, उन्होंने नांदेड़ में भी है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं उम्मीदवार जाहिर किया है, आपको उन्होंने साथ बुलाते हैं? नहीं, वंचित आघाड़ी के हालिया दिनों के जलसे में वंचित आघाड़ी विचित्र आघाड़ी बन चुकी है। ये तमाम यहाँ के अवाम के सामने तमाम मौकफ आ चुका है इन लोगों का और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉपर की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने 2017 में ही उन लोगों को मैनेज किया और वो लोग लड़ नहीं सकते अब यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है। अरे वो तो 2017 में ही हट गए थे, जब सैयद मोइन को जेल में डाला गया था तभी तो उनकी बातचीत हो चुकी थी, तभी हट गए थे उन लोग। वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी का एक वर्कर, अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता, जब उसके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो इसके अपने ख्वाहिश होती है, अपने ख्वाहिश से, अपने लीडर से, जिसकी उस तकलीफ में वो आएंगे उसका साथ देंगे। लेकिन जिस तरीके का मौकफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के बल्दी इंतखाबात में अपने आप को जाहिर किया, उससे ना सिर्फ सैयद मोइन और एमआईएम के वर्कर्स बल्कि पूरे नांदेड़ और पूरे महाराष्ट्र के मैसेज चला गया कि अशोक राव के उनके अच्छे ताल्लुकात थे। मोइन साहब, माजी में कई तजुर्बे हुए जिसमें बीएसपी ने और समाजवादी ने भी अपने उम्मीदवार लड़े थे लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो क्या इस बार ऐसा होगा आपके रहने के बाद? यकीनन कामयाबी हासिल होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और संगठन की मजबूती की बुनियाद पर ही हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी अगर अपने उम्मीदवार उतारती है पार्लियामेंट में, अगर उसकी वजह से जो कम्युनल वोट्स यूनाइट होते हैं या सेकुलर पार्टियाँ नुकसान में आते हैं, तो असेंबली में लगता नहीं कि आपको इसका कोई नुकसान होगा, लोग आपकी इमेज को देख के प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, ये चीज़ तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जहाँ पर एसपी बीएसपी का मौकफ उत्तर प्रदेश में मजबूत है तो वहाँ पर जाकर वोटों को पोलराइज करना या वोट को डिवाइड करने का काम कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है वहाँ पर? हम तो पहले से ही इलेक्शन लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है और हम तो बार बार कहे उनको कि ठीक है भैया, अगर हम जितनी हैसियत और जितनी ताकत रखते हैं उतनी हमें सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस इख्तदार से हाथ धो चुकी है मरकज़ में, कांग्रेस इख्तदार से हाथ धो चुकी है पूरे रियासतों में, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का अकड़, कांग्रेस का तकबर, कांग्रेस का घमंड और गुरूर कम नहीं हुआ।
रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए कांग्रेस का। कांग्रेस को नुकसान हुआ बात अलग है, लेकिन उसके नतीजे में आप लोगों को असेंबली में भी नुकसान हो सकता है ना, आपके अगर इमेज कैसा नुकसान होगा अगर से कुछ ये होता कि इनकी वजह से, तो क्या हम ये तय कर लें कि हम अपना घर जलाकर कांग्रेस के घर में उजाला करें? बतलाइए आप लोग। आप पे इल्जाम भी लग सकता ना कि फिरकापरस्तों को इन्होंने मदद करे। अच्छा, वो जब वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ लड़ रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगेगा। ये तो वही बात हो गई है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।